तो इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी तीरे को गुम स्लाइस से लगाना, फ्रंट पॉकेट को बना के लगाना और साइड पॉकेट को कैसे लगाते हैं ये शेयर करूंगी। इसके बाद गोल घेरे को सिलाई करना। वेलकम बैक टू माय चैनल द अंबरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना, और अगर कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं यहाँ पे सबसे पहले तीरे को अटैच करूँगी। तीरे को अटैच करना है ब्रैकेट और फ्रंट पॉकेट लगा लेने के बाद। तो मैंने तीरे को और कमीज़ की बैक साइड के दरमियान में कट लगा के, तो एक कमीज़ को दरमियान में रखना है तीरे की, जो दो कट किए थे, एक को आगे और एक को ऊपर और एक को नीचे रख के, तो हाफ इंच की यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको कमीज़ की जो नीट साइड है उसको ऊपर रख के, और फ्रंट साइड की जो नीट साइड है उसको इसके ऊपर उल्टा रख के, तो यहाँ पे अब तीरे को मैं सिर्फ एक साइड की, तीरे की अब दो साइडें हैं उसको एक साइड में अटैच कर रही हूँ, और वो भी सिंगल फुट की सिलाई से। और अब इसको टर्न करना ज़रा सा मुश्किल डिफ़िकल्ट चीज़ है, यहाँ पे इसको टर्न करना है जो तीसरी साइड हमने इसके साथ जोड़नी है। अब यहाँ पे जो सिलाई लगेगी वो हाफ इंच की लगेगी, यहाँ पे हाफ इंच की ही सिलाई लगती है, लेकिन वो मैंने सिंगल फुट की इसलिए लगाई है कि वो छुप जाए, नज़र नहीं आए। ये था तीरा अटैच करने का एक तरीका। अब दूसरी साइड पे मैं दूसरे तरीके से बताऊंगी। अब यहाँ पे मैंने इसको सिलाई करके एक दफ़ा उधेड़ा है, क्योंकि यहाँ से मेरे से वीडियो मिस हो गई थी, तो मैंने इसको दोबारा से शूट किया है। अब इनको टर्न करना है। अब यहाँ पे आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे किया है। कमीज़ की फ्रंट और बैक दोनों की नीट साइड यानी कि सीधी साइड को आपस में मिला के, तीरे वाली लाइन को, जो तीसरी साइड एक तीरे की बची है उसको टर्न करके कमीज़ की फ्रंट साइड पे लेके आना है, और उन तीनों को सिलाई लगा देनी है, तो ये गुम सिलाई लग जाएगी। तीरा लगाने के बाद फ्रंट पॉकेट, इसके लिए एक इंच चौड़ाई में और 5 इंच लंबाई में हम एक पीस अलग करके उसको नीट कर लेंगे। इसके बाद इसको कपड़े पे चिपकाएंगे लंबाई में। एक ये ध्यान रहे कि ये लंबाई में लगे, और दूसरा ये ध्यान रहे कि जो कमीज़ में जो कपड़े में लाइनें होती हैं धागे की, वो बिल्कुल सीधी हों, क्योंकि अगर वो टेढ़ी होंगी ना तो ऐसे सीधा पॉकेट भी लगा, ऐसे लगेगा जैसे टेढ़ा लगा हुआ है। इसके बाद इसको कटिंग करेंगे, इसकी फोल्डिंग करेंगे, तो फोल्डिंग मैं इस्त्री से तो करती हूँ, लेकिन मैं नीट करनी होती है गम स्टिक से, क्योंकि मुझे लगाती दफ़ा कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो इसकी 5.5 मैंने रखनी है लंबाई, और 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन, इसलिए मैं ये 6 उतार रही हूँ। अब इसमें ये लगेगी सिलाई, यहाँ पे दो सिलाई भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी होती है। अब इसको फोल्ड करने का तरीका अब ये आपके सामने कर रही हूँ कि देखने वालों को समझ आ जाए, क्योंकि मेरी वीडियो तो उन्होंने ही देखनी है जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। गम स्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि एक ही दफ़ा करके उसको नीट करके तो काम हो जाए, बार बार उसको सेट ना करना पड़े इस वजह से। और अब इसके कोने जो बनाते हैं इसको फोल्ड करके, तो ये दोनों साइडों के कोने बनाने हैं, ये भी एक ट्रिक है, क्योंकि अगर अलग अलग करके बनाएंगे तो मुश्किल थोड़ा सा हो जाएगा। तो अगर गम स्टिक लगा के इसको प्रेस कर देना तो गम स्टिक उतरती नहीं है, मतलब चिपक जाती है। अब फट्टी के साथ ब्रैकेट के साथ 1 इंच का फासला हो पॉकेट का, और इसकी ऊंचाई जो कंधे की लाइन आपको नज़र आ रही है, कंधे की जो कटिंग की थी 8 इंच नीचे आके, वहाँ पे इसको बराबर करके लगा लेते हैं। अब यहाँ पे पॉकेट को सिलाई लगाते वक्त मुझे बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, क्योंकि मैंने इसको पहले से अटैच कर लिया हुआ है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो भी काम करें उसको आसान करके, उसको इंजॉय करके करें।
फ्रंट पॉकेट लगा लेने के बाद साइड पॉकेट के लिए स्लाई लगाएंगे। मैंने एक पॉकेट लगानी है तो जहाँ पे पॉकेट लगी है उसकी दूसरी साइड पे दूसरी पॉकेट होगी। तो यहाँ पे 4.5 इंच से नीचे आके मैं निशान लगाऊंगी, यहाँ पर सिलाई पक्की करनी है। उसके बाद 6 इंच फुल टांगा करके सिलाई लगानी है इतनी, और एंड पे ख़त्म वहाँ करनी है जहाँ पे आपने कमीज से माप लिया हुआ है वहीं तक, 15 है 16 है 17 है जितनी भी आपने रखनी है। यहाँ पे पक्की करके इसके बाद इतनी फुल टांगा करके इसके बाद यहाँ पे पक्का फिर से करेंगे और एंड पे पक्का करना। अब दूसरी साइड पे अगर पॉकेट लगानी है तो सेम दूसरी साइड पे जिस तरह निशान लगा के सिलाई लगाई थी वैसे लगाएंगे, अगर नहीं तो फुल सिलाई वैसे लगा लें। इसके बाद गोल घेरे के लिए पहले एक दफ़ा फोल्ड करना है फिर दूसरी दफ़ा फोल्ड करके सिलाई लगानी है, एक दफ़ा फोल्ड करके सिलाई फिर दूसरी दफ़ा फोल्ड करके सिलाई। तो अब मैं यहाँ एक दफ़ा फोल्ड करके पहले सिलाई लगाऊंगी और फिर दूसरी दफ़ा फोल्ड करनी है। अगर दूसरा घेरा है तो पहले दामन की नीचे वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद साइडें यानी कि चौक उसके बाद बनाएंगे। और अगर गोल करना है तो जैसे आप करें वैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके करना है, इस सिलाई को ज़रा भी खींचना नहीं है, ढीला छोड़ के तो इसको फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है। घेरा जितना भी बारीक फोल्ड हो उतना अच्छा लगता है गोल दामन वाला। दामन की सिलाई लगा लेने के बाद अब हम आएंगे साइड पॉकेट पे। साइड पॉकेट की जहाँ पे 6 इंच हमने फुल टांगा करके सिलाई लगाई थी, अब यहाँ पे फिर से निशान को मैं नीट करके तो यहाँ पे फोल्डिंग करेंगे। 6 इंच जहाँ पे निशान ऊपर लगाया था वहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और 6 इंच नीचे आके इसको टर्न करेंगे। यहाँ भी बिल्कुल बारीक इसको नीट करके सिलाई लगानी है। छः इंच तक लेके आके इसको वापस टर्न करना है और दूसरी साइड की सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे वापस आके उसी सिलाई के ऊपर वापस आके तो इसको छोड़ना है। इसके बाद इसकी दरमियान वाली सिलाई को अभी नहीं उधेड़ना है, ये साइड पॉकेट लगा लेने के बाद इसको निकालेंगे। अब साइड पॉकेट के लिए ये मैंने 18.5 इंच इसकी लंबाई और 6.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो इसकी एक साइड पे 1 इंच का निशान लगा के इसको तिरछा कटिंग करेंगे। ये उसके लिए हैं जो पॉकेट के ऊपर डिज़ाइन होता है। इसके बाद 6.5 इंच ऊपर फोल्ड करके तो यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के ऊपर से तो 1/2 इंच साइडों पे सिलाई लगाएंगे। ऊपर और नीचे दोनों से इस सिलाई को पक्का करना है। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। उसके बाद 1/2 इंच यहाँ से ऊपर से छोड़ा हुआ है, ये ध्यान रहे। इसके बाद इसको सीधा करके तो इसको प्रेस करके फोल्ड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया हुआ है। इसके ऊपर रख के पॉकेट का भी मिड किया हुआ है और यहाँ पे मिड में रख के इसको मैं पिन लगा रही हूँ और इसके ऊपर भी पिन लगाएंगे। तो अब यहाँ से बिल्कुल सीधा हो, एक साइड से सिलाई शुरू करेंगे और इस जहाँ पे सिलाई शुरू कर रहे हैं वहीं पे आके ख़त्म होगी। ये वाली सिलाई पूरी लगा के यहाँ पे रुक के तो इसको खोल लेंगे और सुई को ऊपर ले आएंगे। एक तो यहाँ पे सिलाई को नीट लगाना है और दूसरा ये कि पॉकेट और कमीज़ ये दो कपड़े हों, ये ना हो कि नीचे से तहें और आ रही हों तो फिर सिलाई को उधेड़ना पड़े और फिर पॉकेट दोबारा से लगानी पड़े। नीचे से कपड़ा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस यहाँ पे सिलाई को लेके आके यहाँ पे आके पक्का कर देना है, इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद अब जो सिलाई है ये वाली यहाँ पर इसको खोल लेंगे।
मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।